तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं नथिंग फोन 2 के बारे में। क्या कुछ नथिंग फोन 1 से ज़्यादा अपग्रेड हुआ है या डाउनग्रेड हुआ है, उसका डिज़ाइन में क्या क्या चेंज होने वाला है, जितना हाइप क्रिएट हो रहा है क्या उस पर ये खरा उतरेगा अपने जो इससे हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो सारा कुछ बताएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है धर्मवीर यादव और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन मेमो यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करके 1K जल्दी से जल्दी मेरा कंप्लीट करवा दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मेरा 1K कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सपोर्ट मुझे ज़रूर करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हमको डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.7 इंच का एक OLED पैनल देखने को मिल जाता है। अगर इसके हाई रिफ्रेट के बारे में बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले पॉइंट में ठीक ठाक काम किया है, नथिंग फोन 1 से काफ़ी बेटर डिस्प्ले हमको इसमें देखने को मिल जाएगी। और इसके ब्राइटनेस के बारे में बात कर लेते हैं तो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी फ़ोन में। तो इसमें भी आपको डिस्प्ले पॉइंट में तो नथिंग फोन 1 से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमको नथिंग फोन 1 से नथिंग फोन 2 में देखने को मिल जाएगा। वहीं इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 देखने को मिल जाता है जो कि 4nm प्रोसेसर है, तो पावर इफिशियंट भी रहने वाला है। तो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रोसेसर के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है, परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इसके कैमरे सेटअप के बारे में। देखो पहले तो सुनने को मिला था कि नथिंग फोन 2 में हमको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का तीनों सेंसर हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जो इसका टीजर लॉन्च हुआ उसमें हमको केवल डुअल कैमरा का ही हमको देखने को मिल जाता है और डिज़ाइन हमको बैक में सेम देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन वाइज भी आपको चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा और कैमरा वही 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल वाला का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी और दोनों ही कैमरे से हम 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर पाएंगे। और हम अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें, बैटरी में आपको 4600mAh की बड़ी बैटरी और 66W का चार्जर देखने को मिल जाता है। काफ़ी फास्ट आपका जो करीबन वही 45 मिनट के अराउंड इसका पूरा फ़ोन चार्ज कर देगा। और डिज़ाइन इसकी जो लाइट दी गई थी बैक में वो भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम डिज़ाइन आपको वही नथिंग फोन 1 वाला देखने को मिल जाएगा। तो जितना इसका हाइप क्रिएट हुआ था भाई उतना कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें वही सब कुछ सेम, बस परफॉर्मेंस में इसमें काफ़ी बूस्ट देखने को मिल जाएगा और डिस्प्ले काफ़ी बड़ा दे दिया गया है पिछले वाले फ़ोन से। तो यही कुछ था इस फ़ोन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।